चलिए आज का लेसन चौथा है, यानी कन्वर्सेशन चौथा एपिसोड है, चौथा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, आपसे कोई सवाल करेगा, विच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत में सबसे गर्म स्थान कौन है, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, कोई जगह होगा जो इंडिया का सबसे गर्म स्थान होगा। आंसर देना है, द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया इज गया। क्या है? गया। भारत में सबसे गर्म स्थान गया है, जो कहाँ पे है? बिहार में, यानी बिहार राज्य में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा विच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत में सबसे गर्म स्थान कौन है, कौन सा है, तो आपको जवाब देना है द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया इज गया, भारत में सबसे गर्म स्थान गया है, जो बिहार में है। चलिए दूसरा है, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत का ठंडा स्थान कौन है, यानी भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है, ये सबसे है, यानी कि इंडिया का जो सबसे गर्म स्थान गया है और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो आपसे कोई सवाल करेगा विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है, तो जवाब देना है द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया इज कश्मीर, भारत का सबसे ठंडा स्थान कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, यानी कि कश्मीर, सिर्फ कश्मीर देना, जम्मू कश्मीर, जम्मू नहीं देना, सिर्फ कश्मीर होगा, यानी कि जो इंडिया का सबसे ठंडा स्थान है वो कहाँ पे, कश्मीर में, आप लोग को पता होगा, वहीं से हम लोगों को सबसे ज्यादा ठंडा होता है और वहां पे बारिश भी कम होती है, लेह में, ठीक है। तो जैसे आपसे कोई सवाल करेगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, विच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत में सबसे गर्म स्थान कौन है, तो जवाब देना द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया इज गया, भारत के सबसे गर्म स्थान गया, जो बिहार में है। विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है, यानी भारत का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पे, कौन सा जगह है, जवाब देना है द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, इंडिया में है क्या, कश्मीर, कश्मीर है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर लोग एक साथ बोलते हैं, मगर ये जम्मू और कश्मीर अलग अलग है, ठीक है, दोनों मिला का नाम होता है पूरा जम्मू कश्मीर, हम लोग को सिर्फ जवाब देना है कश्मीर सबसे ठंडा स्थान है इंडिया का, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, इंडिया का सबसे ठंडा स्थान कश्मीर है। ये देखिए तीसरा है, विच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन इन वर्ल्ड, संसार में सबसे गर्म स्थान, संसार में गर्म स्थान कौन है, इसका जवाब देना है द हॉटेस्ट प्लेस इन इन द वर्ल्ड इज जोकाबाबाद, संसार में सबसे गर्म स्थान जोकाबाबाद है, यानी कि दुनिया के सबसे गर्म स्थान एक कहाँ पे है, जोकाबाबाद में, ठीक है, जब नाम है उसका जोकाबाबाद, जगह का नाम है जोकाबाबाद, जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे गर्म स्थान यही है, जोकाबाबाद है। चलिए चौथा है, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन और कंट्री, तुम्हारे देश में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है, यानी कि तुम्हारे बोल रहा है, यानी कि आप कहाँ से, अगर आप इंडिया से बिलोंग्स कर रहे होंगे तो इंडिया के लिए ये खास है, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन आवर कंट्री इज गोरखपुर, हमारे देश में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, ये इंडिया का है, और गोरखपुर कहाँ पे है, लखनऊ में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, प्रदेश में गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, गोरखपुर है, यानी उत्तर प्रदेश है जो है, उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर आता है। तो देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, विच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड, संसार में सबसे गर्म स्थान कौन है, तो इसका जवाब देना है द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज है जोकाबाबाद, यानी संसार में सबसे गर्म स्थान जोकाबाबाद है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे जो गर्म स्थान है वो क्या है, जोकाबाबाद है, क्या है वो, जोकाबाबाद, इस स्थान का नाम है जोकाबाबाद। चौथा है, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन और कंट्री, तुम्हारे देश में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है, तो इसका जवाब देना है द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन आवर कंट्री इज गोरखपुर, हमारे देश में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म
कौन सा है? गोरखपुर का है, गोरखपुर का, जो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि इंडिया में, उत्तर प्रदेश इंडिया में। तो आपसे सवाल इस तरह का है, तुम्हारे देश का, तुम्हारे देश का, अगर आप कहाँ से है तो आपको जवाब देना है हमारे देश का, यानी हम अपने देश में है, तो हम अपना देश में, कौन सा देश में? इंडिया में। तो इंडिया का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो क्या है? गोरखपुर। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। देखिए पांचवा क्या है, चलिए मैं देखते हैं पांचवा सवाल क्या है। विच इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे लंबी चोटी कौन सी है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की, यानी दुनिया में सबसे लंबी चोटी कौन सी है, पहाड़, उसको हम लोग बोलते हैं, कैसे पहाड़ बोल सकते हैं, इसका जवाब देना है माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबी चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है, संसार में सबसे लंबी चोटी माउंट एवरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा, जो हमको पहाड़ कर सकते हैं, पहाड़ कर सकते हैं, चोटी है वो, सबसे लंबी चोटी, सबसे ऊंची है, यानी कि लंबी चोटी है, सबसे बड़ी है, वो कहाँ की है? माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है, सबसे लंबी चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, ऊंचाई बहुत ज्यादा उसका, ठीक है। तो कहाँ पे है? नेपाल में है, शायद नेपाल में ही है, सही मैं बोल रहा हूँ, शायद नेपाल में ही है वो, दुनिया का सबसे बड़ा पिकअप है, यानी पीक है, सॉरी पीक है, यानी कि एक चोटी है जो उस पर हम लोग चढ़ते हैं, उसपे चढ़ने वाले को पुरस्कार दिया जाता है, वो सबसे बड़ा चोटी है, कहाँ है? माउंट एवरेस्ट। उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में शायद है, हमको कंफ्यूज में है, पूरा तरीके से हमको मालूम नहीं है। छठा है, विच इज द हेवीएस्ट स्टोन, सबसे भारी पत्थर कौन है, सबसे भारी पत्थर कौन है? जवाब देना है डायमंड इज द हेवीएस्ट स्टोन, सबसे भारी पत्थर हीरा है। क्या है? हीरा है, स्टोन, स्टोन यानी कि पत्थर, क्या है? डायमंड, क्या? डायमंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हीरा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, विच इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया में यानी कि संसार में सबसे लंबी चोटी कौन सी है, कौन सी है? तो जवाब देना माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे लंबी चोटी माउंट एवरेस्ट है। छठा है, विच इज द हाई, विच इज द हेवीएस्ट स्टोन, सबसे भारी पत्थर कौन है? जवाब देना डायमंड इज द हेवीएस्ट स्टोन, सबसे भारी पत्थर हीरा है। क्या है? हीरा है। चलिए हम लोग सातवां देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या है, आपसे सवाल करेगा कोई भी, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो, रेनबो एक होता है उसमें कितने कलर होते हैं? इंद्रधनुष, यानी रेनबो को हम हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जवाब देना है देर आर सेवन, देर आर सेवन कलर्स इन ये रेनबो, इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं। तो देखिए एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, हाउ मेनी कलर्स, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ये रेनबो, इन धनुष में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो जवाब देना है देर आर सेवन कलर्स इन ये रेनबो, इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, कितने होते हैं? सात रंग होते हैं। चलिए देखते हैं आठवां है, व्हेन इज द रेनबो सीन, इंद्रधनुष कब दिखता है, इंद्रधनुष कब दिखता है, तो कब दिखता है इंद्रधनुष? जवाब देना द रेनबो सीन इन रेनी सीजन, इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में दिखता है, इंद्रधनुष कब दिखता है? वर्षा के दिनों में दिखता है, जब बारिश होता है, बारिश चला जाता है तो कुछ समय बाद आसमान में इंद्रधनुष बनता है, पानी की वजह से ही, पानी की वजह से, वर्षा की वजह से ही बनता है सीजन, इतनी रेनबो, और रेनबो कब दिखता है? वर्षा के दिनों में दिखता है, बरसात के दिनों में ही दिखता है, ठीक है। और उसमें कितने कलर होते हैं? सात कलर होते हैं, उसी को इंद्रधनुष को इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं, उसमें सात कलर होता है, और ये बरसात के दिनों में जब बारिश होता है तभी बनता है, यानी कि वहां पे बनता है, आसमान में बनता है, तो हम लोग को दिखता है, उसमें सात कलर होते हैं, यानी कि सात कलर होता है। जल्दी से हम लोग नौमा देख लेते हैं, नौमा क्या है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, आपसे सवाल करेगा तो जवाब, सवाल करेगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, यानी किस व्यक्ति ने किया, तो जवाब देना है ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है, किसने किया है? ग्राहम बेल ने किया है। तो देखिए इसमें यहाँ पे दिखा रहा है टेलीफोन, टेलीफोन का मतलब होता है मोबाइल, तो
तो मोबाइल का आविष्कार किसने किया है? तो मोबाइल का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। क्या किया है, किसने किया है? ग्राहम बेल ने किया है। आपको कहीं भी दिखने को मोबाइल नहीं मिलेगा। आपसे कोई सवाल भी करेगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो आपसे कहेगा मोबाइल का आविष्कार किसने किया है, मगर आपको मोबाइल कहीं पे आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो कहीं पे मोबाइल नहीं लिखा होगा, हर जगह पे मिलेगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? वो इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, उसमें जवाब देना है ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। आपको मोबाइल नहीं लिखना है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। दसवां है, हु इन्वेंटेड द वायरलेस। हु इन्वेंटेड द वायरलेस, बेतार के तार का आविष्कार किसने किया था? बेतार के तार का आविष्कार किसने किया था? यानी वायरलेस को हम लोग बेतार कहते हैं। बेतार का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी इन्वेंटेड द वायरलेस। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? बेतार के तार का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। हम लोग को समझना है कि बेतार का तार के मतलब क्या होता है। वायरलेस समझ गए होंगे, वायरलेस यानी जिसमें लोग तार नहीं दिखता उसको हम लोग बेतार के तार कहते हैं। लोग जितना भी मोबाइल फोन यूज करते हैं, हम लोग वहां पे कहीं पे वायर नहीं दिखता है। कोई भी सामान अगर एक से एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वायरलेस के द्वारा कनेक्टेड है, उसको बेतार के तार कहते हैं। उसमें आपको तार कहीं जुड़े जुड़ा हुआ नहीं दिखे, सब वायरलेस की तरह है, वो सब सटा हुआ रहता है, उसी से काम करता है, यानी कि उसमें तार जुड़ा नहीं रहता है। वायरलेस हम लोग बोलते हैं जो उसी तरह से कनेक्ट होता है, उसमें काम करता है, को उसमें वायर नहीं दिखता है। तो उसका आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। उसको हम लोग बेतार के तार कहते हैं, बेतार के तार यानी वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जवाब देना है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल, बेल जब बाजता है कब? बेल बाजता है यानी कि बेल बाजता है, घंटी बाजता है, तो कौन आविष्कार किया था? टेलीफोन यानी मोबाइल घंटी, यानी जब बेल बाज रहा है, कौन बाज रहा था? फिर क्या बाज रहा है? मोबाइल का रिंगटोन बाज रहा, कोई भी यानी कि बेल यानी घंटी बाज रहा था, मोबाइल का घंटी बाज रहा था, बेल यानी ग्राहम बेल। किसने किया था फोन? किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का, यानी कि मोबाइल का आविष्कार किया था। हु इन्वेंटेड द वायरलेस। हु इन्वेंटेड द वायरलेस, बेतार के तार का आविष्कार किसने किया था? जवाब देना मार्कोनी इन्वेंटेड द वायरलेस। बेतार के तार का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी ने किया था यानी कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी ने किया था। इन्वेंटर मतलब होता है आविष्कार।